तीन तरह के मकान है। एक हम स्वयं हितग्राही को पैसा देते हैं, वह अपना मकान स्वयं निर्माण करता है, उसको जो राशि मिलती है सरकार की तरफ से उस राशि के अलावा वह अपना पैसा भी खुद लगाता है। अब कई बहनों ने अभी बताया कि 2.5 लाख हमको मिले, केंद्र सरकार भी इसमें पैसा देती है, राज्य सरकार भी, हम भी पैसा इसमें देते हैं, लेकिन 1-8 लाख रुपया और लगा के बढ़िया मकान बना लिया। और ऐसे मकानों की कीमत जब मार्केट वैल्यू हम आंकते हैं तो 7 लाख आ, क्योंकि जमीन फ्री की, पट्टा देके जमीन का मालिक बना के फिर उसको मकान का मालिक बनाने का काम होता है। हमारा दूसरा मॉडल भी है, PHA घटक जिसको कहते हैं, जिसमें नगरी निकाय मकान बनाते हैं, बहुमंजिली मकान भी बनाते हैं और उसको फिर गरीबों को आवंटित करने का काम करते हैं। उस योजना के अंतर्गत भी लगातार हम मकान बनाने का काम कर रहे हैं। और एक तीसरी योजना भी है, जो दूसरी योजना होती है, इसमें केवल 2 लाख के अंशदान पर लगभग 8 से लेकर 10 लाख रुपए तक का मकान आवंटित करने का काम किया जाता है। एक CLSS घटक है, ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी, इसमें लोअर मिडिल क्लास के लोग भी लाभान्वित होते हैं। हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी, और आज मैं संकल्प व्यक्त कर रहा हूं मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ये संकल्प सरकार का कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को पक्के मकान के बिना रहने नहीं देंगे, धीरे धीरे सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। जिनको आज नहीं मिल रहा वो भी चिंता ना करें, हर 2-4 महीने में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे, मकान की चाबी मिलेगी, भूमि पूजन होगा या फिर मकान बनाने के लिए राशि खाते में डाली जाएगी। हर गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब का अपना मकान होगा।